बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल परफेक्ट नॉलेज ड्वेल पे। जैसा कि क्लास 10 का हम लोगों ने चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करेंगे। देखो, फोर्थ तक जो क्वेश्चन है वो लॉजिक बेस पे है एंड थ्योरी बेस पे है, तो लेक्चर क्लास जब होंगे तो ऑब्वियस ही बात है आप वहाँ पे एक बार मैच भी कर लेना कि जो भी मैंने आंसर यहाँ पे दिए हैं क्या वो कॉन्सेप्ट बेस पे है। क्योंकि रीजन क्या है ना कि आप मान जो लोग ये क्वेश्चन तो जरूर बना लोगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको भी इस पे एक्सपेरिमेंट करना होगा, आपको इस पर रिसर्च करना होगा। सो बेसिकली मेरा पर्पस तो यही है कि जब पढ़ाई करो ऐसा करो जिससे कि आप आगे खुद का भी एक एग्जाम्पल सेट करो। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है उसको एक्सप्लेन करेंगे पहले। टू कंडक्टिंग वायर्स। देखो, कंडक्टिंग मतलब जानते हो, ये समझाने का जरूरत नहीं है, जो कंडक्ट करे, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे अपने से, उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग वायर। ऑफ द सेम लेंथ, सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। इट मीन्स क्या, मान के चलो कि आपके पास सेम मटेरियल बोला है, यहाँ पे देख सकते हो सेम मटेरियल। तो मान के चलो मैं कॉपर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और ये कॉपर है, कॉपर वायर जो है वो सेम लेंथ का है। ये देखो, एक पहला नंबर और ये आपका दूसरा नंबर का कॉपर है, दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल है और दोनों आपका कंडक्टिंग वायर है, दोनों सेम मटेरियल से बना है, कॉपर एंड कॉपर से मिलके बना हुआ है। यहाँ तक तो यही समझना था हमें। एंड इक्वल डायमीटर। देखो बाबू, डायमीटर जो होता है ना वो हमेशा आप देखते होंगे कि सर्कल का बात किया जाता है, तब ना हम लोग रेडियस निकालते हैं। अगर मान चलो सर्कल है तो इसका सेंटर्स यहाँ रेडियस, फिर यहाँ से रेडियस, दोनों रेडियस को ऐड करते हैं तो हमारा डायमीटर निकलता है। सो बेसिकली ये होता है। तो आप जो वायर का बात करते हैं तो वायर कैसा होता है, वो स्क्वायर में ही नहीं होता आपका, रेक्टेंगल में तो नहीं होता है, ट्राइंगल में तो नहीं होता है, वो किस शेप में होता है, वो होता है आपका सर्कल के शेप में, यानी कि आप देखोगे तो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, यानी सर्कल में होता है, उसका मैं इतना जानता हूँ। सो डायमीटर होता है बेसिकली। तो डायमीटर जो है एंड इक्वल डायमीटर है दोनों का, मतलब इसका भी सेम है और इसका भी डायमीटर सेम है। और जो ये फर्स्ट जो है कनेक्टेड है सीरीज में और उसके बाद वो कनेक्टेड है पैरेलल में, मतलब क्या कनेक्टेड है, तो ये वायर कनेक्टेड है, पहले सीरीज में कनेक्टेड है और फिर बाद में पैरेलल में कनेक्टेड है। क्या ये दो वायर एक दूसरे से कनेक्टेड है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि दोनों वायर कनेक्टेड है, मैंने कहा कि ये दोनों सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्टेड है। अब सीरीज मतलब क्या होता है, जिसमें कि आपका एक साथ जो है सारा कुछ ऐड हो, मतलब एक ही वायर पे सारा कुछ लगा हो। यहाँ रेजिस्टेंस है, यहीं पे आप बल्ब लगा दिए, यहीं पे आपने फैन लगा दिया, अगर एक स्विच ऑन करोगे तो सभी जलेंगे, ऑफ करोगे तो सभी बंद हो जाएंगे, तो ये हुआ सीरीज। अब पैरेलल जो आपके घर में वायरिंग किया हुआ है, जैसे आप अपने रूम का अगर फैन ऑन करते हो तो बाकी घर के रूम का जो फैन है वो तो ऑन नहीं होता ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल। तो ये जो है कनेक्टेड है सीरीज एंड पैरेलल में, इन अ सर्किट, मैं इसी का बात करता, सर्किट में वो सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बार बार बताता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है आपका वोल्टेज। ऑलराइट, अब हमें क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। हमें बस निकालना है रेशियो में कि हीट प्रोड्यूस कितना हुआ सीरीज और पैरेलल में, ठीक है। बहुत इजी है, इजी तो है बट थोड़ा सा आपको लैंग्वेज भी समझ में आना चाहिए। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे लैंग्वेज तो नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट जो मैथमेटिकल पोर्शन होगा मैं उसी को सिर्फ लिखूँगा। तो मैं जो भी आपका लैंग्वेज है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप उसको खुद ट्राई करना। जस्ट लाइक जैसे जानते हो कि जो हीट होंगे ना, जो हीट प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे मान के चलो, वो क्या होंगे सर्किट में, जो आपका हीट प्रोड्यूस होगा वो आपका इन्वर्सली होता है। क्या होता है बच्चे? इन्वर्सली आपका प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टू द रेजिस्टेंस का। मैंने बोला था कि मैं नहीं लिखूंगा बट मैंने यहाँ लिख दिया, बिकॉज मुझे लगा कि मैं बोलूंगा तो उससे आपको शायद मे भी ना समझ में आए, लेकिन इससे टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होने वाला है और लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, और ऑब्वियस ही बात है आप बच्चे जो हैं लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो, तो दैट्स वाई कि हम शॉर्ट में करेंगे। तो देख सकते हो कि जो हीट प्रोड्यूस जो भी होगा सर्किट में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ
अब जस्ट लाइक आप देख लो ना, आपके घर में जो मान के चलो जो भी हीटर है, आप हीटर यूज करते होगे या कभी आपने आयरन भी यूज करा होगा, अब आप उसको करंट पास जो हो रहे हैं या करंट पास हो रहे हैं उससे, जो कंडक्टिंग से वायर से, आप उसमें अपोज कर दोगे, अपोज मीन रेजिस्टेंस आप ज़्यादा लगा दोगे, तो क्या होगा, करंट तो ज़्यादा फ्लो होगा नहीं, और करंट अगर ज़्यादा फ्लो नहीं होगा तो आपका हीट प्रोड्यूस होगा नहीं, तो यानी कि रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हीट आपका डिक्रीज होगा, और हीट अगर इंक्रीज हो रहा है यानी आपका रेजिस्टेंस हमने क्या किया है, कम कर दिया, तो दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आर होता है। ऑलराइट, अब हमें सपोज करना है, आप सपोज कर लेना कि आपके आपका जो है एक है आपका जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, एंड एक जो रेजिस्टेंस है आपका वो पैरेलल में है, तो एक को आर एस जो मैंने यहाँ पे लिखा, एक आर पी लिखा, ये सपोज करना है, तो आपको स्टेटमेंट में लिखना है, लेट अस सपोज दैट आर एस इज द आर एस एंड आर पी इन द सीरीज बी इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इफ कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड पैरेलल रिस्पेक्टिवली, यानी आपको इतना स्टेटमेंट लिखना होगा। मैं बता दूं कि अगर बोर्ड में आपको नंबर अच्छे चाहिए या स्कूल में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, शॉर्ट ले हुए तो फिर उसमें भी आपको नंबर मिलेंगे, बट उस रेशियो में नहीं, जैसे 5 आउट ऑफ आपको 3 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे या 4 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे, ऐसा आपको मिल सकता है नंबर, बट फुल में फुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नंबर कहीं ना कहीं कट किए जाते हैं अगर अच्छे टीचर होंगे तो। अभी क्या है कि आप मान कर चलो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज का बात कर रहे हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, ये तो आपका सीरीज में है ना, मान कर चलो हम लोग सीरीज बनाया उसके अंदर ये रेजिस्टेंस है, लेकिन जो वायर हम लोगों ने लिया था क्या उसमें रेजिस्टेंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं, किसी भी कंडक्टर में आपका ऑन रेजिस्टेंस होता है, मतलब खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता ही है, तो दैट्स वाई कि आपको जो है आपको फिर से सपोज करना होगा, लेट अस सपोज जो आर है वो रेजिस्टेंस है, तो आपको लिखना होगा लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो वायर कितने वायर थे, 2 वायर थे ना, तो बोथ वायर बोलो या इच वायर बोलो वो आप पे डिपेंड करता है, लैंग्वेज डजंट मीन, आप मीनिंग सेंस निकलना चाहिए, साइंस में स्टेटमेंट का मतलब होता है उस स्टेटमेंट का सेंस निकलना चाहिए, ना कि उसका आप ग्रामर देखने जाओगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका बस सेंस अच्छा होना चाहिए। फिर अब देखो क्या है, हम लोगों ने ये मान लिया, सपोज कर लिया, अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, हमने पहले क्या बोला रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड होंगे पैरेलल में, तो फिर हमें क्या निकालना होगा, नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस निकालने होंगे, तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पैरेलल, ठीक है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप मैसेज करना, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, कुछ करना नहीं है यहाँ पे, आपको बस लिखना है कि द रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, देन नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मुझे पता है फॉर्मूला जो होता है पैरेलल के लिए वह होता है 1/R, तो चूंकि ये आपका पैरेलल में, तो मैंने आर पी लिख दिया इक्वल टू 1/R प्लस 1/R किया, इसको आप सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम लोगे तो R होगा और ये ऊपर 1+1 यानी कि आपका 2/R होगा, ये आपका पैरेलल का निकला। ऑलराइट, अभी हम लोग क्या किसका निकालना है, हमें निकालना है आपका सीरीज के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीरीज, अब आपको सेम लिखना है कि रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन नेट रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा, तो नेट रेजिस्टेंस अगर निकालना है इसके बाद, तो सीरीज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर एस यानी R1 प्लस R2, या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ R+R यानी कि 2R। ऑलराइट बच्चों, तो ये दो तो हमारे निकल गए, अब जो है हमारा जो आगे का स्टेप है, इसमें तो पेज आपका खत्म, तो मैं एक नया पेज लूंगा। ऑलराइट, यहाँ आप देख सकते हो कि हम लोगों ने जो लिया है इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है हमने ये ले लिया, अब हमें क्या करना है किस आपको रेशियो में निकालना है, कब निकालना है, हमें मालूम है ये वाला स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ कि हैंस फॉर द सेम सेम पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में मैं लिखूँगा डिफरेंस भी यानी कि वोल्टेज, तो रेशियो निकालना है आपको, रेशियो ऑफ हीट, रेशियो ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या होगा, ये हमें निकालना है,
ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन में भी यहाँ पे था, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम है, वही मैंने यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिया, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, वो आप भी कर सकते हो घर पे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हिट का बात किए हैं तो एक हिट तो आपका निकलेगा सीरीज के लिए, एक हिट निकलेगा आपका पैरेलल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो सीरीज में निकला है उसको हम लोग लिखेंगे क्या, आपका आर पी हमारा हो जाएगा, जो कि हमें रेशियो में निकालना है, और ये हमारा सीरीज हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर पी का क्या निकाला था हम लोगों ने, आर बाई टू, और ये लिखा है आर एच का था हमारा 2 आर। ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, ये आर आर कैंसिल आउट हो सकता है, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/4, यानी कि जो रेशियो होगा 1/4 होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, बाकी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि द रेशियो हिट प्रोड्यूस जो इन द सीरीज जो होगा वो हमारा क्या था, ऑप्शन में गिवेन था हमारा 1/4, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेना इसके बाद कि द रेशियो ऑफ हिट प्रोड्यूस इन अ सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन इज 1:4, दैट्स इट, यहीं तक आपका ये समझना था। तो ऑब्वियस ही बात है अगर मैं डीपली अगर एक्सप्लेन करूँगा तो आपको काफ़ी टाइम लगने जा रहा है, सो दैट्स वाई कि मैं ये आप सजेस्ट करो कि मैं शॉर्ट में बताऊँ या लॉन्ग में बताऊँ, क्योंकि समझाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका ये ज़रूरी है कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें ताकि हम लोग इम्प्रूव करें, अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। थैंक यू बच्चों, बाय।